আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের গণপিটুনি মন্তব্যের জবাব দিলেন মিম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েসি। সোমবার ধারাবাহিক টুইটে সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে গোরক্ষার অজুহাতে গণপিটুনির অভিযোগ তুলেছেন তিনি। রবিবার সংঘ প্রভাবিত সংগঠন মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের একটি কর্মসূচিতে ভাগবত বলেছিলেন, যে বা যারা গোরক্ষার দোহাই দিয়ে গণরুষ তৈরি করে কাউকে আক্রমণ করছেন তারাও হিন্দুত্বের বিরোধী। মনে রাখতে হবে ভারতের হিন্দু মুসলমান একই উৎস থেকে এসেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, যিনি বলবেন মুসলিমরা ভারতে থাকবেন না তিনি আসলে হিন্দুই নন। ভাগবতের মন্তব্যকে স্বাগত জানানোর বদলে সোমবার কটাক্ষ করেছেন ওয়েসি। হায়দ্রাবাদের সাংসদদের টুইট মন্তব্য, আরএসএস প্রধান ভাগবত বলেছেন গণপিটুনিতে জড়িতরা হিন্দুত্বের বিরোধী। ওই অপরাধীরা গরু এবং মহিষের ফারাক জানে না, কিন্তু খুন করার জন্য জুনেদ, আখলাক, পহলু, রকবর, আলিমুদ্দিনের নামই যথেষ্ট বলে জানে। এটা বিদ্বেষমূলক হিন্দুত্ব। ওয়েসির অভিযোগ, কাপুরুষতা, হিংসা এবং খুন গডসেপন্থী হিন্দুত্ববাদীদের ভাবনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মুসলিমদের গণপিটুনিও সেই চিন্তারই ফল। অন্য একটি টুইটে ওয়েসি লিখেছেন, আলিমুদ্দিনের খুনিকে মালা পরিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আখলাকের খুনির মৃতদেহের উপর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল তেরঙ্গা পতাকা, আসিফের হত্যাকারীর সমর্থনে আয়োজন হয়েছিল মহাপঞ্চায়েতের, সেখানে বিজেপির এক মুখপাত্র প্রশ্ন তুলেছিলেন, আমরা কি তবে খুনও করতে পারবো না? প্রসঙ্গত, ঝাড়খণ্ডে গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন আলিমুদ্দিন, তার হত্যাকারীদের মালা পরিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা যশবন্ত সিনহার ছেলে তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত। অন্যদিকে দাদরি হত্যাকাণ্ডে জেলবন্দী অভিযুক্ত রবি সিসোদিয়ার মৃত্যুর পর তার দেহ নয়ডায় এনে জাতীয় পতাকায় ঢাকা হয়েছিল বলে অভিযোগ। যে লোক লিঞ্চিং কর রহে হ্যায় ও ক্যা হিন্দু নেই হ্যায় কাহা, ক্যা কাহা উনহোনে, সব কুছ কাহা উনহোনে, আর ইয়ে ভি কাহা কে কিসি কো মুসলমানো কো নিকালনে কা ইখতিয়ার নেই হ্যায়। হাম ইয়ে উনসে পুছনা চাহ রহে হ্যায় কে ক্যা মোহন ভগবত জি इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि वो लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि आरएसएस अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है, और अगर ये है तो क्या आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं और महापंचायत करके बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कहता है कि क्या हम इनको मर्डर भी नहीं कर सकते? तो क्या इन तमाम लोगों को मोहन भगवत, जनाब मोहन भगवत, आरएसएस इनको डिसोन करेगी, और क्या वो सरकार पर दबाव डालेगी कि लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया जाए? और क्या ये बात सच नहीं है कि कल ही दिल्ली से नोएडा में काजी महमद को क्यों मारा गया? ये सब हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आरएसएस अगर लिंचिंग को मानती है तो लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? क्या आरएसएस इस बात को मानने को अभी भी तैयार नहीं है कि उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से मेजॉरिटी कम्युनिटी में ये जो लोग कर रहे हैं वो रेडिकलाइज हो चुके हैं? मैं इन तमाम चीजों को मोहन भगवत की सिर्फ लिप सर्विस मानता हूं, इसलिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में, खास तौर से यूएसए में, और यूएसए में जो ह्यूमन राइट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, कंट्रीज ऑफ कंसर्न में हमारे देश का नाम आ चुका है, तो ये सब उनके लिए किया जा रहा है। अगर वो वाकई में रियलिस्ट हैं, वो वाकई में इसको बीमारी समझते हैं लिंचिंग को, वो वाकई में ये समझते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में एक सेक्शन रेडिकलाइज हो चुका है, तो फिर उनको डिसओन करना पड़ेगा। एक्स मिनिस्टर इखलाक के मारने वालों की लाश पर तिरंगा लहराते हैं, तिरंगा बिछाते हैं, एक्स यूनियन मिनिस्टर अलीमुद्दीन को कन्विक्टेड लोगों का उनका फूल का माला उनके गले में पहनाते हैं,
राजस्थान में अकबर को जब जो लोगों ने मारा उनको कोर्ट को लाया गया तो ट्रायल कोर्ट के ऊपर खड़े होकर भगवा लगा दिए। कौन सी दुनिया में मोहन भगवत हैं? वो क्यों आंखों में धूल झोंक रहे हैं देश की जनता की? लेकिन सर ये बयान तो अच्छा है ना कि सारे क्या 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 अच्छा है, क्या अच्छा है उसमें? आप देखिए ये एकता बना रहे हैं आप कब से एकता बना रहे हैं? आप तो 90 साल से आप ही का तो ये सब, चाहे वो गोलवालकर का बंच ऑफ थॉट्स हो या वी और नेशनहुड हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय की किताब हो, इन तमाम, या फिर आप सावरकर की हिंदुत्व की किताब हो, यही तो इन्हीं के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। और इन किताबों में क्या ये एकता की बात की गई? क्या इन किताबों में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात की गई? एकता की बात भारत का संविधान करता है, हिंदुत्व नहीं करता है। भारत का संविधान में इंक्लूसिवनेस है, हिंदुत्व एक एक्सक्लूसिव आइडियोलॉजी है जो मोहन भगवत और आरएसएस पिछले 90 साल से उस पर अमल कर रही है। कहां एकता होगी? गवर्नमेंट ऑफ मोदी की सरकार है और इन तमाम लोग महापंचायत कल भी करते हैं, गाली देते हैं मुसलमानों को कि इनका मर्डर कर दो, इनको मार दिया जाएगा, और पुलिस एक एक्शन नहीं लेती उनके ऊपर। काजिम को मारा गया, पुलिस एक्शन नहीं लेती उनके ऊपर। जुनैद को भरी ट्रेन में मारा गया, देख लीजिए कौन सा क्रिमिनल केस चल रहा है। यह सिर्फ लिप सर्विस है, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और सबसे बड़ा काम यह कि वेस्टर्न कंट्रीज में, खास तौर से यूएसए में, वहां पर यह पैगाम दिया जा रहा है क्योंकि बैड पब्लिसिटी मिल रही है, और वो बैड नहीं बल्कि जेन्युइन पब्लिसिटी सही हो रहा है। तो इसीलिए ये तमाम बातें की जा रही हैं। इस ये जमीन पर इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। अगर डिसोन करेंगे, इस बात को मानेंगे कि हां रेडिकलाइजेशन हुआ है, और कैसे उनको डिराडिकलाइज करेंगे ये इनको सोचना पड़ेगा। सर एक दूसरा सवाल, योगी आदित्यनाथ ने आपको चैलेंज किया है यूपी के चुनाव के मद्देनजर, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, मेरी 3 महीने की पुरानी स्पीच है उतरौला में, एमआईएम पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि आइंदा विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार को शिकस्त दी जाए। ये तो हमारा शुरू से स्टैंड रहा है, और हम भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं, जिसके ओम प्रकाश राजभर उसके कन्वीनर है। हमारी पूरी कोशिश होगी, यकीनन कोशिश होगी, क्यों ना हो। डेमोक्रेसी में हमको ये पूरा अख्तियार हासिल है, क्योंकि योगी सरकार कोविड के दौरान गंगा के ऊपर नदी के किनारे लाशों के अंबार पड़े हुए थे, तो उसका तो बोलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तोरंगो टीवी।